हाँ तो गुरु लोग आज से ठीक एक साल पहले शाहरुख खान ने कमबैक किया था पठान मूवी से और पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही रिवाइव कर दिया था। लेकिन पिछला साल अक्षय कुमार के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं रहा, उनकी फिल्में फ्लॉप रहीं। लेकिन अब हम फाइनली कह सकते हैं कि अक्षय सर इज बैक विद अ बैंग। तुम्हें चाहे बॉलीवुड से जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे अक्षय सर पसंद है और मुझे इस मूवी का शिद्दत से इंतजार रहेगा। हाँ, ट्रेलर के अंदर कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में आगे चल के अपन लोग बात करते हैं, पर सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें कर लें ताकि इस पिक्चर को देखने का मूड बन जाए। तो ट्रेलर को देखते हुए मूवी की कहानी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो मूवी के विलन जिसको प्ले कर रहे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, एक बहुत ही बड़ा वेपन इंडिया से ही चुराते हैं और वो इंडिया को ही तबाह करना चाहते हैं। अब उनका चेहरा तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन जिसका भी ये आइडिया था उस बंदे की सैलरी को थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे टर्म्स एंड ट्विस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं बड़े पर्दे पर। अब इस रोबोटिक साइंटिस्ट जो कि अपने आप को तले कह रहा है, इसको रोकने के लिए दो सुपर सोल्जर बुलाए जाएंगे जो कि होंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। अगर आपने हॉलीवुड में द रॉक की मूवी देख रखी है हॉब्स एंड शॉ, तो आपको पता चल ही होगा कि इस पिक्चर की कहानी कैसे होने वाली है। वहाँ पे भी रोबोटिक साइंटिस्ट वाला मामला था और दो सुपर सोल्जर ने मिलकर उसको रोका था, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके अंदर इन्होंने कितने सारे चेंजेस किए हैं। अब किसी चीज से इंस्पायर होकर फिल्म बनाना कोई बुरी बात नहीं है। और जब बात हम अली अब्बास जफर की कर रहे हो, जो कि अब से पहले हमें सुल्तान और टाइगर जिंदा जैसी अच्छी अच्छी पिक्चरें दे चुके हैं, तो हम बिना किसी डाउट के इस पिक्चर को देख सकते हैं। ऊपर से अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस से कौन नहीं बेवाकिफ, बाकी पृथ्वीराज सुकुमारन कितने अच्छे एक्टर हैं तुम इस बात को जानते ही हो। और जब वो स्पेशली एक विलन के करेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो इस मूवी के लिए इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है। ऊपर से इस पिक्चर का स्केल भी काफी बड़ा है, VFX और CGI में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही, और फिल्म के एक्शन सीन भाई साहब एकदम हॉलीवुड लेवल के लग रहे हैं। और अगर यही एक्शन सीन प्रॉमिसिंग रहे तो थिएटर को स्टेडियम बनने में देर नहीं लगेगी। इसी के साथ ही इस ट्रेलर के अंदर कुछ कमियां भी हैं, तो उनको भी थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। तो सबसे पहली कमी जो मुझे खलती है वो है टाइगर श्रॉफ। बंदे को इस इंडस्ट्री में 10 साल होने को है, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी बॉडी के अलावा किसी और चीज पे ध्यान नहीं दिया। एक्टिंग स्किल बहुत ही वीक है और डायलॉग डिलीवरी बहुत ही पुअर। हम लोग बहुत बार इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन अब की बार नहीं। इसी के साथ ही अपने सुपर सोल्जर की टीम के साथ जो हीरोइंस हैं, उनकी जोड़ी भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही। जब पिक्चर का इतना बड़ा स्केल था तो कुछ अच्छी सी हीरोइन को भी ऐड कर लेते। इसके अलावा इसके डायलॉग भी काफी चीजी लग रहे हैं, बाकी डिपेंड करता है कि इसके मेकर इसको कैसे डिलीवर करते हैं। बाकी इन्हें रिपोर्ट्स की माने तो इसके फिल्म मेकर इसको एक यूनिवर्स के तौर पे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और देख के ऐसा लगता भी है जब टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो वही इस ट्रेलर के अंदर सबसे ज्यादा गोसपम वाला मूवमेंट था। लास्ट टाइम ऐसा वार मूवी के अंदर हमें देखने को मिला था जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन आमने सामने थे। बाकी तुम अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना कि क्या तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो और क्या ये पिक्चर 1000 करोड़ को क्रॉस कर पाएगी या नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।